वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह, तुसी देख रहे हो टूरिस्टल इंडिया इंस्टाग्राम फेसबुक ते यूट्यूब चैनल। अज गल करांगे आस्ट्रेलिया बारे। दोस्तों, आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने नवंबर या दसंबर तो जिहड़ा हैगा हुण बॉर्डर खोलण दा ऐलान कर दिता हैगा। सो इस दे नाल ही बड़े सारे लोगों की टूरिस्ट वीजा नूं लैके जिहड़ी हैगी इनक्वायरी आनी शुरू हो चुकी है। टूरिस्ट वीजा दोस्तों एट प्रेजेंट सिनेरियो हैगा आम बंदे वास्ते नहीं ओपन होया। आस्ट्रेलिया हुण तुसीं स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो या हुण तो कुछ टाइम बाद जिहड़ा हैगा जिहड़े फैमिली इमीडिएट मैंबर ने तुसीं अपने माँ प्यो का जिहड़ा वीज़ा ओ अप्लाई कर सकते हो। जे तुसीं आस्ट्रेलियन सिटीजन हो या पी आर ते हैगे हो तां तुसीं माँ प्यो का वीज़ा हुण तो कुछ टाइम बाद जिहड़ा हैगा तुसीं अप्लाई कर सकोगे। सो आस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा फादर मदर लई जिहड़ा ओपन होण जा रहा है, पर आम लोगों लई हले नहीं हैगा, क्योंकि आम लोगों वास्ते जो भी उम्र है जुलाई जून जुलाई 2022 तो ही बाद जिहड़ा हैगा वो ओपन होना है, उस तो पहला पॉसीबिलिटी नहीं है। हले आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने माँ प्यो वास्ते एक हल्का जहा इशारा किया हैगा कि तुसीं अपने माँ प्यो का वीज़ा बहुत जल्दी जिहड़ा हैगा वो अप्लाई कर सकोगे टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि पिछले 2 साल तो आस्ट्रेलियन का टोटली आलमोस्ट बंद किया हुआ सीगा। जिवें होर कंट्रियां ने जो टूरिस्ट वीज़े ओपन कर दिते ने, कैनेडा ने ओपन कर दिता हैगा, शैनिंगन ओपन है, यूके ओपन है, ठीक है, बहुत जल्दी यूएसए ओपन हो रहा होने जा रहा, पर आस्ट्रेलिया ने टूरिस्ट वीज़े नूं ओपन नहीं किया। सस्पेंस बका जिहड़ी कि बरकरार सी, पर हुण एक न्यूज़ जी आई है कि बहुत जल्दी पेरेंट्स का जिहड़ा आस्ट्रेलिया वीज़ा ओपन होने जा रहा। सो जे तुसीं आपके पेरेंट्स नूं बुलाना चाहते हो तो तुसीं बहुत जल्दी वीज़ा अप्लाई कर सकोगे। इहदे वास्ते डाकूमेंट कि चाहिए होणगे, थोड़े वालों स्पोंसर लैटर, ठीक है जी, थोड़े पासपोर्ट की कापी, थोड़े बैंक की स्टेटमेंट, थोड़ी नोटिस ऑफ असैसमेंट और थोड़ा एम्प्लॉयमेंट लैटर, ये पेपर तुसीं स्पोंसर अपने फादर मदर नूं करना है। तो इंडिया तो कि पेपर चाहिए होणगे, थोड़े फादर मदर की इनकम, जो खेतीबाड़ी करते हैं तो जे फार्म, जो कुछ होर करते हैं वो इनकम, ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, तो 5 to 6 lakh का बैंक बैलेंस। सो इन पेपर के नाल तुसीं अपने माँ बाप का जिहड़ा वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और आस्ट्रेलिया दे विच माँ प्यो दे वीज़े का सक्सैस जिहड़ा हैगा वो बहुत ज़्यादा हुंदा हैगा, वधिया सक्सैस रेट हुंदा है। सो एक मौका आ रहा तुसीं आपके माँ प्यो का जिहड़ा आस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैगे हो। जिहड़े नॉर्मल आम बंदे, हर कोई बंदा आस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा जिहड़े अप्लाई करन दे इच्छुक ने, उहनां नूं हले थोड़ा रुकना पएगा। कारण की है कि हले आस्ट्रेलिया ने नॉर्मल आम पब्लिक लई टूरिस्ट वीज़ा ओपन नहीं किया। डाकूमेंटेशन सेम हैगी है, जिहड़ा बंदा इत्थों अप्लाई करना चाहता है या आने वाले टाइम तो बाद अप्लाई करेगा, सो उन्हां वास्ते डाकूमेंटेशन की है, थोड़ी इनकम का प्रूफ कुछ भी हो सकता है, थोड़ी आई टी आर हो सकती, जे फार्म हो सकती, फार्म 60 हो सकता या सैलरी स्लिप्स हो सकदियां ने। जिहड़े अकाउंट थोड़ी इनकम आती है, चाहे जे फार्म की इनकम आती है, चाहे सैलरी आती है, जो बिजनेस करते हो बिजनेस की पेमेंट आती है, उस अकाउंट की बैंक की स्टेटमेंट मिनीम 6 month की, थोड़े को फंड 5 to 6 lakh का फंड जिहड़ा हैगा वो जरूरी है। इस तो अलावा थोड़ी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, थोड़ा पासपोर्ट फोटो, तो फैमिली की डिटेल, ये पेपर जिहड़े होने जरूरी ने। जे पेपर होणगे तां तुसीं वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो जिस बंदे को 6 to 7 lakh की इनकम हैगी आस्ट्रेलिया का, ईजली जिहड़ा वीज़ा वो लै लैंदा हैगा। हर एक कंट्री का वीज़ा देने का अपना अपना तरीका हुंदा, कनेडा कुछ वक्खरियां चीज़ां देख के वीज़ा दिंदा है, यूके वक्खरियां चीज़ां देख के दिंदा है, तो आस्ट्रेलिया वक्खरियां चीज़ां देख के दिंदा हैगा। सो आस्ट्रेलिया जे थोड़ी इनकम अच्छी है, इस तो इलावा जे तुहाडे फैमिली टाइज आस्ट्रेलिया दे विच हैगे ने, तुहाडा कोई दोस्त है, तुहाडा कोई रिश्तेदार है, तुहाडा भाई भैण है, तो वह थोड़ा जो स्पोंसर करे फिर तो वीज़ा मिलने के चांसिस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कैनेडा के मुकाबले आस्ट्रेलिया का स्पोंसर वीज़ा लेना आसान होंदा हैगा। सो हाले जिहड़ा नॉर्मल बंदियां लई वीज़ा ओपन नहीं हैगा, आपां नूं जुलाई तक वेट करनी पैनी है, तो माँ प्यो का वीज़ा तुसीं बहुत जल्दी अप्लाई कर सकते हो। सो उम्मीद करदा मेरी वीडियो वधिया लगी होएगी। जाते जाते मेरा चैनल सबसक्राइब कर दिओ, बैल का बटन दबाओ, ताकि आने हरेक वीडियो सब तो पहले तुहानूं मिल सके। बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।